इराकपुर की जोबट पुलिस पर राहगीरों से लूट का गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि जोबट थाने पर पदस्थ 5 पुलिसकर्मियों ने 3 राहगीरों से 1 लाख से ज्यादा की लूट की। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर घटना की जांच शुरू कर दी है। छात्र संघ चुनाव के परिणाम आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देवास के गर्ल्स जीडीसी कॉलेज में हुए चुनाव में एनएसयूआई की 4 छात्राओं के पदाधिकारी मनोनीत होने के बाद एबीवीपी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव शून्य घोषित करने की मांग को लेकर देवास कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन दिया। एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन और प्रबंधन पर चुनाव में गोपनीयता भंग करने का भी आरोप लगाया। एबीवीपी ने चुनाव शून्य नहीं करने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।